हमने हमेशा बोल चुके हैं और फिल्म की डायलॉग में भी है कि जेएन इस देश की वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट इंस्टीट्यूट है यह सच है लेकिन यह भी सच है कि छिहत्तर जवानों की मौत की तरह जितने बार एंटी एंटी इंडिया एंटी नेशनल एक्टिविटी भारत की कोई कोने में हुई है जेएनयू में उसकी विरोध हुई है मतलब एंटी इंडियन फोर्सेस के सपोर्ट में जैसा वो अच्छे है बेस्ट है वो भी सच है ये भी सच है अगर बेस्ट होते और ये गलत बात होता क्यों ना एक जे की स्टूडेंट्स यूनियन मेरे मतलब मैं बोलने की वो रखता हूँ मेरी फिल्म जब दिखाया गया था जे की सबसे बड़ा हंगामा मेरी फिल्म के टाइम पे हुआ था मैंने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाया था मुझे बाल-बाल बच गए थे आ, आ, मुझे मुझे मेरे ऊपर फिजिकल चोट नहीं कौन आया सी कौन सी डॉक्यूमेंट्री कौन सी फिल्म का नाम था इन द नेम ऑफ लव अच्छा और उस ओ, इतना खतरनाक लड़ाई था अटैक था हमारी ऊपर आज भी जेएनयू की एक गार्ड एम्स में हर हफ्ता ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है अच्छा। ये, ये, ये 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 आप गूगल करिए समझ में आ जाएगा कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुई थी तो बात ये है जे अच्छा है ये बोलने के लिए हमें कोई दिघा नहीं है hmm. हम आराम से बोल सकते हैं जे एन यू इज वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ दिस कंट्री एंड ये भी सच है ये भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जे में जो पॉलिटिक्स होता है hmm. आमतौर पे वो देश के खिलाफ जाता है आप एक और चीज़ देखिए कि ये ट्रेलर आया हमने जे का नाम लिया अभी भी खुल के नाम ले रहे हैं hmm. लेकिन इस फिल्म का कोई विरोध नहीं कर रहा है hmm. केरला स्टोरी के वक्त बहुत विरोध किया था Uh, बाद में उन्हें रियलाइज़ हो गया शायद कि इनका विरोध करके कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि देश की जनता तो इनके साथ खड़ी है और लोग इन फिल्मों को सच मान रहे हैं अगर आज हम कोई ऐसा झूठ बोल रहे होते और उनका नाम ले रहे होते तो जे विरोध करता जे के वो स्टूडेंट्स विरोध करते लेकिन एकदम साइलेंस मोड में चल रहा है सब कुछ तो कहीं ना कहीं उन्हें भी रियलाइज हो गया है कि हम इस सच का सामना लड़के नहीं कर पाएंगे तो चुप बैठे हुए हैं